और अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शन के लिए श्रद्धालु निकल चुके हैं। सुबह करीब 11 से 12 बजे कश्मीर वो पहुंचेंगे। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि श्रद्धालु के लिए 10,000 टेंटों का इंतजाम भी किया गया है, तो पूरी व्यवस्था कर ली गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शन के लिए श्रद्धालु का पहला जत्था निकल चुका है। तो पहला जत्था रवाना हो गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इससे जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको दे दें, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। माना यही जा रहा है कि 11 से 12 बजे का वक्त होगा जब कश्मीर में एंटर होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शन के लिए ये श्रद्धालु यहाँ पर निकल चुके हैं जबरदस्त उत्साह के साथ। सुबह करीब 11 से 12 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब ये पहला जत्था कश्मीर पहुंच जाने वाला है। आपको ये भी बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए 10,000 टेंट का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा मेडिकल सुविधा अगर किसी को चाहिए हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए भी रखी गई है और इंतजाम भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया है। तो अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है, रिपोर्ट देखिए। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने विधिवत पूजा करके विधिवत मंत्र उच्चारण के बाद यहां से यात्रा जो है वो रवाना की है। रवाना होने से पहले श्रद्धालु बेस कैंप पर जागरण और भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन से लेकर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल ने जमीन आसमान एक किया हुआ है। श्रद्धालुओं के रवाना होने से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी आरआर स्वैन ने बेस कैंप का दौरा किया। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात हैं ही, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी करने की पूरी तैयारी है। अमरनाथ यात्रा आतंकियों के निशाने पर रहती है और इसीलिए जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा का ट्रायल रन भी आयोजित किया गया।